Exercise 1.2, question number 1. Without expanding, evaluate the following determinants. Okay, question 1 को में जो है हमें क्या करना होता है, बिना किसी expansion के ये determinant की value बताना, ठीक है? Repeat without expanding, evaluate the following determinants. इसमें केवल हम property apply करते हैं, डिटरमिनेंट की वैल्यू बताएंगे. तो क्वेश्चन 1, आंसर 1, पार्ट 1, 43, 35 एंड 70, 1, 7, 3, 6, 4, 3. ये आपका डिटरमिनेंट, इसकी वैल्यू बताना है विदाउट एक्सपेंडिंग. विदाउट एक्सपेंडिंग डिटरमिनेंट आपको इससे बेटर होता है, ठीक है? तो देखिए इसमें जो है 43, इसमें क्या कहते हैं, सी वन इज रिप्लेस बाय C1 माइनस C2 प्लस 7 टाइम C3. C1 कॉलम को क्या करते हैं, C1 कॉलम को जो C1 माइनस C2 प्लस 7 टाइम C3 से रिप्लेस कर देते हैं, ठीक है? तो उसके बाद देखिए डिटरमिनेंट का कौन सा फॉर्म मिलता है. तो अगर हम C1 को जो है C1 माइनस C2 प्लस 7 टाइम C3 से रिप्लेस करेंगे, फर्स्ट कॉलम हमारा 0 हो जाएगा. फर्स्ट कॉलम क्या हो जाएगा, 0 है. तो ये तो एक एलिमेंट का है, डिटरमिनेंट इज 0, देन वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इज 0, है ना? अच्छा, जैसे C1 को हम C1 माइनस C2 प्लस 7 C3 कर देंगे तो वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट रिमेंस अनचेंज. डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या होती है, अनचेंज होती है, क्योंकि हमने प्रॉपर्टी पढ़ा है कि C1 कैन बी रिप्लेस बाय C1 प्लस M टाइम C2 प्लस M टाइम C3. तो ये ट्रांसफॉर्मेशन ये चेंज क्या करता है, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन या एलिमेंट्री चेंज कर देता है, ठीक. तो अगर हम किसी कॉलम में रो को जो है सम स्केलर टाइम सेकेंड रो थर्ड रो के सम या डिफरेंस से रिप्लेस हम कर सकते हैं, ठीक है? जिससे डिटरमिनेंट की वैल्यू को कोई फर्क नहीं पड़ता. जैसे कॉलम वन को हमने क्या किया, कॉलम वन में से सेकेंड कॉलम और प्लस 7 टाइम थर्ड कॉलम सब को सब करके क्या करें, फर्स्ट कॉलम से मान सकते हैं, ठीक है? तो अगर ऐसा करिएगा तो वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा. मैंने फर्स्ट कॉलम को किससे रिप्लेस करें, फर्स्ट कॉलम माइनस सेकेंड कॉलम प्लस 7 टाइम थर्ड कॉलम, ऐसा चेंज करने से डिटरमिनेंट की वैल्यू को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है? तो चलिए एक्सचेंज हम ब्लैक करते हैं. क्या मिलेगा, 43 आपका है माइनस C1 आपको क्या हुआ है, और इसका 7 टाइम क्या होगा, मतलब 6 का 7 टाइम क्या होगा, 42 ना. अच्छा, सेकंड एलिमेंट आपका 35 है, और सेकंड कॉलम का सेकंड एलिमेंट क्या है, 7 है. थर्ड कॉलम का सेकंड एलिमेंट क्या है, 4 है. 7 × 4 हो जाएगा ना, 17 माइनस 3 प्लस 7 × 2, 7 × 2, ठीक है? अब इधर क्या हो जाएगी, ये वैल्यू हो जाएगी आपको 1 7 3 6 4, है ना? ये वैल्यू कितना हो जाएगा, ये वैल्यू हो जाएगा डेल्टा इक्वल टू 43 माइनस ये 1 + 42 होगा, 1 + 42 क्या होगा, 43 हो जाएगा ना. 35 माइनस 35 हो जाएगा, तो 7 + 28 35 हो जाएगा, 17 ये क्या होगा, मतलब 3 + 14 ये 17 हो जाएगा. अब सेकेंड एलिमेंट सेकेंड कॉलम आई लीजिए, कॉपी कर लीजिए 1 7 3, ठीक है, 1 7 3, और इसकी वैल्यू क्या है, 6 4 एंड 2, है ना? तो देखिए इससे क्या मिलेगा आपको, इससे आपको मिलेगा डेल्टा डिटरमिनेंट इज इक्वल टू 43 − 43 0 हो जाएगा, 35 − 35 0, 17 − 17 0. देखिए आपसे 1 7 3 6 4 2, ठीक है? तो एनी कॉलम
सम एंड डिफरेंस ऑफ स्केलर टाइम्स अदर टू एंड फ्रॉम, ये प्रॉपर्टी अप्लाई करने से हम क्या देख रहे हैं कि ईच एलिमेंट ऑफ फर्स्ट कॉलम बिकम जीरो, ईच एलिमेंट ऑफ फर्स्ट कॉलम बिकम जीरो। तो डिटरमिनेंट की क्या प्रॉपर्टी होती है, इफ ईच एलिमेंट ऑफ एनी रो और कॉलम इज जीरो देन वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इज जीरो, देन वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इज जीरो। तो इस प्रॉपर्टी से डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी बताओ, इस प्रॉपर्टी से डिटरमिनेंट की वैल्यू जीरो हो जाएगी ना। इस तरह से देखिए डिटरमिनेंट पे हमने कोई एक्सपेंशन नहीं किया है लेकिन डिटरमिनेंट की वैल्यू हमको पता होगी ना, ठीक है। तो विदाउट एनी एक्सपेंशन वी हैव फाइंड वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट व्हिच इज इक्वल टू जीरो ना, ठीक है। जैसे कहा जा रहा है कि विदाउट एक्सपेंडिंग वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग डिटरमिनेंट, इसे आपको क्या करना है, प्रॉपर्टी अप्लाई करना है डिटरमिनेंट की और प्रॉपर्टी अप्लाई करके उसकी वैल्यू बता, ठीक है। इसमें कोई एक्सपेंशन आपको नहीं अप्लाई करना। चलिए अब उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन वन का सेकंड पार्ट है, क्वेश्चन वन सेकंड पार्ट, इसमें भी हमको क्या करना है विद ऑन स्पेंडिंग वी हैव टू फाइंड वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट ना। तो देखिए डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या है आपका, वन टू थ्री थ्री फाइव सेवन एट फोर्टीन एंड टू ना। तो डेट डिटरमिनेंट डेट क्या हो जाएगा, अब से भी कोई प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं हाँ, जिससे सेवेंटी मिल जाए, सेवेंटी जब मिल जाएगी तो डिटरमिनेंट की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो इसमें क्या करना होगा, जैसे को जो है आर टू, आर टू को जो है आर टू इज रिप्लेस बाय टू आर टू, टू आर टू प्लस टू आर टू प्लस टू आर टू, ठीक है। आर टू क्या करते हैं टू आर वन प्लस टू आर टू से रिप्लेस करते हैं, सेकेंड कॉलम सेकेंड रो को जो है टू आर वन प्लस टू आर टू से रिप्लेस कर देते हैं। तो ऐसा करने से क्या होगा, दो रो हमारा सेम हो जाएगा, दो रो क्या हो जाएगा सेम हो जाएगा, ठीक है। जब दो रो सेम हो जाएगा तो वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी हां। ये देखिए कैसे सोचिएगा, जैसे अगर इसको दो से मल्टीप्लाई करते छह हो सिक्स हो जाएगा और इसको दो से मल्टीप्लाई करते जब टू हो जाएगा तो सिक्स प्लस टू क्या होगा एट होगा, है ना, ठीक है। अब इसको दो से मल्टीप्लाई करिए टेन होगा, इसको दो से मल्टीप्लाई करिए फोर होगा, तो टेन प्लस फोर फोर्टीन हो जाएगा जो कि ये भी बनता है, इसको दो से मल्टीप्लाई करके कर तो सिक्स होगा, इसको दो से मल्टीप्लाई करके फोर्टीन होगा, तो फोर्टीन प्लस सिक्स ट्वेंटी हो जाएगा ना। तो इस रिप्लेसमेंट से दो रो हमारा सेम हो जाएगा, जब दो रो सेम हो जाएगा तो वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट क्या हो जाएगा जीरो। ऐसे बिना विदाउट एनी एक्सपेंशन वी हैव टू फाइंड वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट ना। तो चलिए आगे या आगे किसी एक को रिप्लेस कर देते हैं, हमने आर टू रिप्लेस बाय टू टाइम आर वन प्लस टू टाइम आर टू लिखा। ये ट्रांसफॉर्मेशन क्या कहलाता है, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन कहलाता है। तो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या रहती है, अनचेंज रहती है। तो चलिए फर्स्ट रो में कोई चेंज नहीं करते, इसको आइडेंटिटी स्थापित कर देते हैं। सेकेंड रो में क्या कर रहे हैं, इसको दो से मल्टीप्लाई करें, इसको दो से मल्टीप्लाई करें, दोनों को जोड़ रहे हैं, तो टू इंटू थ्री क्या हो जाएगा, टू इंटू थ्री और प्लस टू इंटू वन किया जा रहा है। अब इसमें क्या कर रहे हैं, टू इंटू फाइव प्लस टू इंटू टू किया जा रहा है, इसमें टू इंटू थ्री और प्लस टू इंटू सेवन किया जा रहा है ना। ये क्या है, ये एट है, ये क्या फोर्टीन है, ये क्या ट्वेंटी है ना। किससे वैल्यू क्या मिल जाएगी, किससे वैल्यू मिल जाएगी आपका, वन टू थ्री और ये हो जाएगा आपका एट, ये हो जाएगा आपका फोर्टीन, ये हो जाएगा आपका ट्वेंटी, एट हम क्या देखिए दो रे दो रो इसमें क्या सेम, दो रो क्या होते हैं सेम ना। एक टू रो आर टू कॉलम आर डिटरमिनेंट आर आइडेंटिकल देन वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इज जीरो, डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी जीरो। इस प्रॉपर्टी से इस डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, इस डिटरमिनेंट की वैल्यू जीरो,